नमस्कार, मैं अभिषेक कुमार इस वक्त ततलखा पंचायत में है और हमारे साथ यहाँ के मुखिया के प्रतिनिधि दीपक जी जुड़ रहे हैं। मुखिया है रूपम मिश्रा जी और दीपक मिश्रा जी हमारे साथ जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे कि आखिर किस तरह से ग्राम में जो गांव है, जो पंचायत है, उसमें विकास के कार्य फिलहाल किए जा रहे हैं। और अगर बात ततलखा की करें तो एक छोटा सा बाजार है, छोटे से कस्बे में निकलता हुआ कई गाँव यहाँ पर है। और अभी जब हमने चुनाव के 2 साल बाद बीतने के बाद इन क्षेत्रों का जायजा लिया है तो कई सारी जो उपलब्धियां है वो देखने को मिली है, कमियां भी है, लेकिन सबसे पहले उपलब्धियों पर जाएंगे। और फिलहाल मुखिया जी के आवास को मैं दिखाऊंगा आपको कि यहां पर आपको दिख जाएगा कि तमाम जो गांव को कचरा मुक्त बनाने की बात चल रही है, गांव को स्वच्छ बनाने की बात चल रही है, उसके लिए यहां पर तमाम जो रिक्शा की व्यवस्था की गई है, कूड़ा उठाने के लिए डस्टबिन का प्रयोग करने की बात कही गई है, वो सभी चीज़ आपको दिख जाएगी। और क्षेत्र में ऐसी ही गाड़ियाँ, ऐसी ही रिक्शा जो है दरवाजे दरवाजे तक जाकर लोगों के घर से कचरा उठाने का काम करती है। तो गांव को शहर बनाने का जो संकल्प है, और ख़ासकर जो बिहार सरकार हो, केंद्र सरकार हो, इनके निर्देश हैं कि गांव के विकास से ही विकसित भारत का निर्माण होगा, क्योंकि आज भारत विश्व में अपनी छवि को अलग तौर पर दर्शा रहा है। आप लोग किस तरह से छोटे से पायदान से सहयोग कर रहे हैं, इसमें किस तरह से ततलखा का विकास हो रहा है? देखिए, जब से हम मुखिया बने हैं हमारा भी सपना था कि हमारा पंचायत जो है वो स्वच्छ रहे, और सरकार का भी निर्देश आया कि स्वच्छता के लिए पंचायत को ये योजना दिया गया है, इसमें आप कार्य कीजिए। जब हमें ये निर्देश मिला ऊपर से सरकार की तरफ से, तो हमने स्वच्छता का घर भी बनाए हैं वहाँ पर, मतलब कचरा वाला घर जो होता है, ठोस अपशिष्ट तरल प्रसंस्करण इकाई का घर बनाया हुआ है, वार्ड नंबर 16 में बनाया है, वो भी देख सकते हैं आप लोग जाकर के कितना अच्छा बना है, बहुत सुंदर बना है। वहाँ जाने के बाद ही बुझा जाएगा कि जब ये घर इतना सुंदर बना है तो पंचायत कितना स्वच्छ होगा। तो उस पर कार्य चल रही है, 8 से 10 दिन में हम हर वार्ड में ये छल्ला वितरण कर देंगे, और स्वच्छता का वो गाड़ी है, वो ई रिक्शा है, उससे पूरा पंचायत से कचरा उठा करके और उसमें डाला जाएगा, वहाँ से भी प्रखंड ले जाएंगे। तो हमारा ये मतलब प्रयास है कि स्वच्छ जितना सुंदर बन सके पंचायत, उसमें हम प्रयास जारी है हमारा कि स्वच्छता की ओर पंचायत हमारा अग्रसर। दीपक जी, कई चीज़ें बदलाव के रूप में देखी जा रही है, अभी देखेंगे आप तो जिस तरह से गांव में अब ये रिक्शा दिख जाती है, स्वच्छता के लिए चलाई जा रही ई रिक्शा दिख जाती है, तमाम तरह की चीज़ें, तो ऐसी चीज़ें पहले नहीं हुआ करती थी। और बहुत सारे लोग आप देखेंगे, चाहे जनप्रतिनिधि हो या क्षेत्र की जनता हो, कहीं ना कहीं कंफ्यूजन में रहती है कि भाई मुखिया को काम क्या करना है। जनता सोचती है कि मुखिया के पास बहुत सारा फंड आ रहा है, हम लोगों का ये विकास कार्य नहीं हो पा रहा, छूता रह जा रहा है। जनता तो बहुत है, सभी की बातों को पूरा कर पाना मुझे नहीं लगता है कि संभव है। ऐसे में आपका क्या मैसेज, संदेश अपने क्षेत्र की जनता के साथ साथ सरकार के लिए रहेगा कि ततलखा की जो प्राथमिकता है वो क्या है, और उसके लिए किस तरह से सरकार को ध्यान देना है? सबसे बड़ी प्राथमिकता जो थी, जो गरीब का टोला है, जैसे ऋषिदेव समाज हो गया, राम समाज हो गया, जितना टोला था हमारे पंचायत के अंदर में, उसमें विकास नहीं हुई थी, जिस पर कि हमने कार्य करना शुरू किया, जिसमें कि हर महादली टोला को सड़क हमने दिया है, जिस पर कि दिक्कत हो रही थी चलने में सबको बरसात के सीजन में, तो वहाँ पर हम 4 सड़क दिया सड़वा टोला को, बढ़ना टोला को हमने 6 सड़क दिया। उसके बाद कुछ होता है क्या, जैसे छठ घाट भी हम बना रहे हैं अभी, छठ घाट जल जीवन हरियाली माता जी, जी जल जीवन हरियाली माता, हाँ वो छठ घाट बना रहे हैं, और यात्री सेट 2 जगह हमने बनाया, यात्री को परेशानी होती थी बैठने में, तो नोनेती चौक पर बनाया है, एक ततलखा चौक पर बनाया है, और कुछ व्यक्तिगत जो सुविधा होती है, जो कि आकांक्षा रहता है जनता को, हमको इंदिरा आवास मिले, सबसे ज़्यादा ये है पशु शेड मिले, इसमें सरकार की विफलता समझिए या जो समझिए, इंदिरा आवास की राशि जो है, वह राशि जिस तरह हम लोगों को सड़क बनाने के लिए राशि मिलती है, खाता पड़ाता है राशि, छठ घाट के लिए राशि मिलती है, उस तरह यदि हम लोगों को राशि सरकार से मिल जाता कि आप अपने पंचायत में इस वित्तीय वर्ष में 50 इंदिरा आवास देना है, प्रधानमंत्री आवास देना है, जी, वह राशि हम लोगों के अकाउंट पर दे देता, तो हम लोग शुद्ध गरीब को हम
पहुंचा देती वो। बिल्कुल, देखिए ये समस्या है और इसे समझने की आवश्यकता है सरकार को भी, क्योंकि एक जनप्रतिनिधि जो होता है उसको जनता चुनकर भेजती है और वह सही चयन कर सकता है कि आखिर आवास की जरूरत किसे है। और अभी क्या हो रहा है, जो सिस्टम है, जो सरकार के तरफ से तमाम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म तैयार किए गए हैं, उनमें जो ज़रूरतमंद नहीं भी है वो भी थोड़ा अप्रोच करके अपना आवास ले लेता है, भले ही उसके घर में सरकारी नौकरी हो, भले ही जमीन जायदाद तमाम तरह की संपत्ति परिसंपत्ति में वो अव्वल दर्जे पर आता हो, लेकिन आवास उसके नाम से भी क्लियर हो जाता है। कहीं ना कहीं मुखिया के जो पावर थे उसको सीज करने का काम किया गया है। ऐसी स्थिति में अब क्योंकि आप लोग कदम दर कदम विकास के लिए आगे बढ़ रहे हैं, अतलखा के विकास के लिए बढ़ रहे हैं, ऐसी स्थिति में जनता भी नाराज़ होती है, यार मुखिया जी हमको जो है ना आवास नहीं दिला पाए, तो आप क्या कहेंगे जनता को, क्या मैसेज देंगे, क्योंकि समय है अभी और सरकार जो है वो भी पूर्ण रूपेण तैयार है कि कैसे किस तरह से विकसित समाज बनाया जाए, हर वर्ग को साथ में लेकर चला जाए। देखिए सबसे पहले सरकार से हम मांग भी करेंगे इस चीज़ के लिए कि आपने जो व्यक्तिगत लाभ जो देते हैं, व्यक्तिगत योजना जो है, वह डायरेक्ट पंचायत प्रतिनिधि के अकाउंट में आप दे करके, कम से कम यदि एक वित्तीय वर्ष में हमको 50 देना है, 100 देना है, तो वह राशि आप पंचायत प्रतिनिधि के अकाउंट में दे करके उनको बोलिए जो आपको जो सही लाभुक है उनको दिया जाए। एक दूसरी बात क्या है, पशु शेड, बकरी शेड, जिससे कि गरीब वंचित है हमारे पंचायत का, तो वह हम नहीं दे सकते हैं। इसलिए नहीं दे सकते हैं कि जब हम नियम है ऐसा, जब बनाएगा बकरी शेड पशु शेड तब राशि मिलेगी, जो कि गरीब को राशि नहीं है, रुपया नहीं है जो बनाएगा वो, हम लोग के अकाउंट में रुपया है नहीं जो हम लोग दे सकते हैं उसको। तो बना तो लेता है कोई कोई, लेकिन वो मिलता है राशि 2.5 साल 3 साल लग जाता है वो राशि मिलने में, बहुत बड़ी कठिनाई है। हम भी सरकार से मांग करते हैं जो मनरेगा द्वारा जो भी पशु शेड बकरी शेड गरीब का बनता है, हम सरकार से आपके माध्यम से मांग करते हैं कि वह राशि यदि बनाता है तो बनने के बाद तुरंत उसका पेमेंट हो जाना चाहिए। बिल्कुल, ये हम सरकार से मांग करते हैं, जिससे कि हम लोग भी विकास कर सके अपने पंचायत। चलिए आखिर में सावन माह चल रहा है और क्षेत्र में आज चूँकि प्रथम सोमवारी है, लोग हर शिवालय में जाके जलाभिषेक कर रहे हैं भगवान भोलेनाथ का, क्या संदेश रहेगा पंचायत वासियों को आपकी ओर से, और साथ ही साथ चूंकि आप जाप से भी जुड़े हुए हैं और पप्पू यादव जी के साथ कदम दर कदम बढ़ाकर आप लोग राजनीति खासकर सहरसा मधेपुरा और इन एरिया में कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में क्या आपका मैसेज रहेगा, क्या संदेश रहेगा जनता के बीच? देखिए सावन महीना है, पवित्र महीना है, हिंदू धर्म में जो है सावन महीना का बहुत बड़ा महत्व है। सृष्टि का निर्माण जो हुआ था सावन माह में ही, जब समुद्र मंथन में विष निकल गया था, तो जब सभी देवता उसे देख करके परेशान हो गए कि अब क्या होगा, सृष्टि रहेगा कि नहीं रहेगा, तो परेशानी में हुआ क्या, महादेव जी बाबा भोलेनाथ को मालूम हुआ कि विष निकल गया है, तो सभी को बचाने के लिए भोला बाबा ने विष पी। हम समाज से ही आग्रह करते हैं, अपने अपने पड़ोसी, अपने अपने समाज को बचाने के लिए यदि विष भी पीना पड़े, पी करके और समाज को बचाने का प्रयास करें। आज जल जीवन हरियाली 10 जून है, आज मुखिया के द्वारा वृक्षारोपण भी किया जाएगा जिससे कि पर्यावरण को हरियाली मिलेगी। बिल्कुल, मुख्यमंत्री जी सचिवालय से शुरुआत करेंगे और बिहार में जल जीवन हरियाली मिशन के तहत वृक्षारोपण जो है उसकी शुरुआत होगी, पंचायत में भी शुरुआत की जाएगी। और स्पष्ट रूप से आप समझ सकते हैं मुखिया जी का संदेश, मुखिया जी के प्रतिनिधि हैं रूपम मिश्रा जी के, दीपक मिश्रा जी और उनके पति भी हैं, स्पष्ट रूप से इन्होंने संदेश दिया है कि विष पी कर चूँकि समाज में जब राजनीति होगी तो कुटाराघात तो होगा, विपक्षी आरोप तो लगाएंगे, लेकिन तमाम विष को पी कर किस तरह अतलखा को विकसित करना है इसके लिए हम सोच रहे हैं, समाज को बचाने की दिशा में हम लोग काम कर रहे हैं और आने वाले समय में अतलखा का विकास सुनिश्चित जरूर होगा। आखिर में काफ़ी कम शब्दों में कहूँगा, दो चार काम जो आपने प्राथमिकता के रूप में क्षेत्र में किया हो वो बताया जाए। हमने सबसे पहला काम तो आपको बता दिए कि जो महादलित टाइप का समाज आदमी था या हमारे पंचायत में महादलित जाति का, उस सबका बच्चा जब पानी जब बरसता था तो फिसल फिसल के गिरता था, हम जाते थे देखते थे, तो सबसे पहले बताए कि हम वहाँ पर प्राथमिकता दर पर
वहाँ पर सड़क दिया, गली को बनवाया, रोशनी दिया, रोशनी भी दिया, स्ट्रीट लाइट भी, हाँ स्ट्रीट लाइट दिए हैं, हर जगह दिए हैं। अभी बरसात का सीजन है, हर रोड जितना लाइट खराब था पंचायत में सबको ठीक करवाया, सही करवाया, चकाचक एकदम पंचायत मेरा चकाचक करे चकाचक इसके लिए। और बहुत सारे काम बाकी है हमारे हाथ से, व्यक्तिगत काम नहीं कर पाते हैं, बस आपको बताइए ये समस्या है हमारे साथ, लेकिन सामूहिक काम हम पूरा करेंगे। पंचवर्षीय जीतने के बाद जब आप आइएगा पंचायत तो नया पंचायत नजर आएगा आपको। बिल्कुल, तो घबराने की जरूरत नहीं है, तलखा वासियों को बड़ी सौगात मिलने जा रही है। मुखिया जी कर्मठता से लगे हुए हैं और आने वाला समय जो है वो अतलखा के लिए एक विकसित अतलखा बनाने वाला होगा। कैमरा पर्सन बलराम के साथ मैं अभिषेक कुमार।